वजू करने के बाद कपड़ा बदलने से, कपड़ा तब्दील करने से वजू में कोई ख़राबी पैदा होती है या वजू टूट जाता है, क्या मसला है? मर्दों के लिए क्या है, औरतों के लिए क्या है? जैसा कि ये मसला आपको फतावा दारुल उलूम देवबंद में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 135 पे, खैरुल फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 53 पर, इसके अलावा कई किताबों में ये मसला आपको मिलेगा। जवाब ये है, मर्द हो या औरत, किसी के भी वजू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वजू बिल्कुल सही सालिम है। वजू करने के बाद आप कपड़ा बदल सकते हैं, चाहे वो मुकम्मल कपड़ा आपका हो। ऐसा नहीं है कि ऊपर के कपड़े बदल लें, अंदर के कपड़े नहीं बदलें। अगर आप अंदर के जो अंदर पहनते हैं उसको भी अगर आप बदलते हैं, मर्दों के लिए औरतों के लिए जो भी है अंदर के कपड़े पहने हुए हैं उसको भी तब्दील करते हैं, कोई खराबी नहीं। यहां तक के अगर कोई मुकम्मल कपड़े उतार देता है, नंगा हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरा कपड़ा पहनता है, इससे भी वजू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग क्या समझते हैं, सोचते हैं कि अगर कपड़ा उतार लेंगे सतर खुल जाएगा, हमारा जिस्म खुल जाएगा, तो इससे हमारा वजू टूट जाएगा। गलत मसला है भाई, ऐसी बात नहीं है। सतर के खुलने से वजू टूटता नहीं है।